हेलो फ्रेंड्स, मैं शिनू आप सभी का हमारे चैनल इंडियन फूड में स्वागत करती हूँ। बनाएंगे बनाना केक जो मैं कढ़ाई में बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने लिए हैं दो बनाना जो मैंने कट कर लिया है। इसको हम जार में डालेंगे। इसमें हम चीनी डालेंगे कटोरी। वनीला एसेंस डालेंगे इसमें सिर्फ दो बूंद। फूड कलर डालेंगे, मैंने येलो कलर का फूड कलर लिया है। मेल्टेड बटर लिया है जो अमूल का है, ये सिर्फ मैंने दो चम्मच डाला है इसमें। इसको मैश कर देंगे अच्छे से। और इसमें मैंने एक कप दूध लिया है, इसको हम इसमें ही डाल देंगे और अच्छे से मैश कर देंगे। इन सबको अच्छे से मैंने मैश कर लिया है, एक बाउल में निकाल लेंगे। इसमें मैंने 1.5 कटोरी मैदा ली है, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डालना है इसमें हमें। सॉल्ट नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने सॉल्टेड बटर लिया था। इन सब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। गैस पे कढ़ाई रखेंगे, इसमें एक स्टैंड लगा दूंगी और इसको ढककर हम प्री हीट होने रख देंगे 10 मिनट के लिए। जब तक कढ़ाई प्री हीट हो रही है तब तक हम अपने पॉट को रेडी कर लेते हैं। मैंने इसको बटर लगा के अच्छे से ग्रीस कर लिया है। इसमें अपना सारा ये घोल जो बनाया था वो डाल देंगे। टैप टैप कर लेंगे जिसके अंदर इसमें एयर हो तो वो निकल जाए। ये पॉट रख देंगे और इसको 45 मिनट तक ढककर रखेंगे। इसको हम लो फ्लेम पे ही पकाएंगे, ज्यादा तेज नहीं रखेंगे इसकी फ्लेम हम। 45 मिनट हो गए हैं, हम इसको चेक करते हैं टूथपिन लगा के हम सेंटर में। देखिए टूथपिन बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, थोड़ा बहुत चिपक रहा है। इसको 5 मिनट के लिए हम और रख देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, हम इसको फिर से चेक करते हैं। ये हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। ये बन गया है, गैस को ऑफ करेंगे और इसको हम अच्छे से पकड़ के निकाल लेंगे। इसको रूम टेम्परेचर पे हम ठंडा होने रखेंगे, उसके बाद इस पॉट से इसको हम निकाल लेंगे। केक ठंडा हो गया है, इसको हम चाकू से ऐसे अलग कर देंगे थोड़ा सा किनारे इसके। अब इसको उल्टा कर लेंगे हम ऐसे करके और थप थप करके इसको निकाल लेंगे। देखिए कितना स्पंजी केक बना है ये। नाइफ से इसको कट करके देखेंगे। देखिए कितना अच्छे से बन गया है ये। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो पे कमेंट्स करें एंड लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।